टीवी पर कथा ना आए, अचानक लाइट चली जाए, मोबाइल का नेटवर्क चला जाए और तुम कथा सुन रहे थे और इतने में नेटवर्क चले गया, इतने में लाइट चली गई, इतने में तुम कथा पानी गिर गया और तुमको विघ्न आ गया और तुम कथा ना सुन पाए। बस तुम्हारी जो बेचैनी है, तुम्हारे अंदर की जो बेचैनी है कथा सुनने की, तुम्हारे अंदर की जो बेचैनी है मंदिर जाने की, आज ना जाने मेरे घर में मेहमान आ गए, ये हो गया वो हो गया, मंदिर नहीं जा पाई, बार बार बेचैनी हो रही है, मंदिर नहीं जा पाई, कथा में नहीं जा पाई, आज टीवी पर कथा आई, इतनी काम में उलझ गई कि मैं 2 बजे कथा ना सुन पाई, ये अंदर की जो बेचैनी है, ये जो अंदर की बेचैनी हमारे अंदर जागृत हो रही है महाराज, यही किसी से दिल लगा लेना मोहब्बत नहीं है। किसी के बिना दिल ना लग पाना, इसी को मोहब्बत कहते हैं। बेचैनी हो रही है, बस अब बेचैनी इतनी, कथा नहीं सुन पाई, आज मैं कथा नहीं सुन पाई, आज मैं मंदिर नहीं जा पाई, आज मैं भगवान को जल ना चढ़ा पाई, अपने आप को कोस रही है, आज मैं पहुंची क्यों नहीं, बस तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम मुलाकात चल। रोज प्रतिदिन जिसके दरवाजे जाती हूँ, रोज प्रतिदिन जिससे मैं मिलने जाती हूँ, रोज प्रतिदिन जिसका मैं भजन करती हूँ, उस परमात्मा का आज मुझे दीदार क्यों नहीं हुआ, आज मैं शिव के मंदिर जाकर एक लोटा जल क्यों ना चढ़ा पाई, आज मैं कथा में क्यों ना पहुँच पाई, आज मैंने टीवी क्यों ना चालू कर पाई, आज मेरा नेटवर्क क्यों खत्म हो गया, आज मेरा बैलेंस कैसे खत्म हो गया, मैं भगवान की कथा क्यों नहीं सुन पा रही हूँ, आज कारण क्या है। बस ये बेचैनी तुम्हारी नहीं है, तुम्हें लगता है कि मैं भगवान के लिए इतना तड़प रही हूँ, ये बेचैनी तुम्हारी नहीं है, वो परमात्मा तुम्हारे लिए तड़पता है तो अंदर से तड़पन उत्पन्न होती है। भीतर की जो तड़पन है यही तो परमात्मा का मिलन है।